हाँ जी दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं TND कंपनी का रेमो मॉडल। भाई ये भारत की भाई सबसे पहली कंपनी है जिसने भाई लेजर लेवल बनाने की शुरुआत की थी। और भाई ये कंपनी आज पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये कंपनी सिर्फ लेजर लेवल ही बनाती है भाई, ये कंपनी अपने तकनीक के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी का मॉडल जो भी मॉडल आता है उसमें नया यूनिक होता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा यूनिक मॉडल बनाया है इसने। भाई देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो कंट्रोल सिस्टम होता है, तो भाई यहाँ पे देखते हैं आपने अनरेगुलेटेड में देखा होगा उनकी इधर साइड में होता है, पर भाई यहाँ पे कंपनी ने इसका कंट्रोल पैनल यहाँ पे आगे की साइड में दिया है, जिससे भाई जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है ट्रैक्टर में जोड़ने के लिए। बाकी यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके तार वगैरह होती हैं, तो ये सभी अंडरग्राउंड होती हैं। आपने अनरेगुलेटेड लेवल में देखी होगी उनकी तारें वगैरह खिंच जाती हैं, ख़राब हो जाती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। पर भाई ये कंपनी है, इसमें भाई देख पा रहे हैं आप लोग इसका जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, और पाइपें वगैरह बिल्कुल अंडरग्राउंड की गई जिससे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती, ना पाइप ख़राब होता है। एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे देखते हैं इसका हिच है, ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया है। मतलब किसान का ट्रैक्टर 40 HP का ट्रैक्टर वो भी आराम से इसको चला सकता है, और 65 HP का ट्रैक्टर है वो भी इसको आराम से ऑपरेट कर सकता है। बाकी आप लोग देखो इसकी बकेट है, बकेट में यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की गई, मतलब कम से कम इसमें वेल्डिंग की गई है, जिसके कारण भाई इसका जो लोहा होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, और उसमें वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं होता है, मतलब भारी भी रहता है ये। और ये बकेट आप लोग देख पा रहे हैं भाई ये सब्सिडी पास है। भाई TND कंपनी वैसे ही आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है लेजर लेवल बनाने की, तो इसका काम लेजर लेवल का ही होता है। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं इसका कंपनी का एक मॉडल और भी आता है, वो भी आपको बताएंगे। इसका जो ब्लेड आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ब्लेड आप लोग देख रहे हैं यहाँ से इसकी धार बनी होती है और इस साइड से भी धार बनी होती है। अगर ये इस साइड से घिस जाएगा तो भाई आपको पलट के इस साइड से लगा लेना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाला ही है। और उसकी जो पेंटिंग क्वालिटी देख पा रहे हैं आप लोग, ये भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त पेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा शानदार पेंट है भाई, ये पेंट जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और दोस्तों इसमें जो बैरिंग लगे होते हैं भाई TR कंपनी के, इसमें कंपनी ने बैरिंग यूज़ की है भाई, बैरिंग की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है, मतलब ये बैरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है और लॉन्ग टर्म चलता है ये। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं ये जिगजैग वाला मॉडल कंपनी बनाती है, आप लोग जैक देख पा रहे हैं भाई डिग्री में देखा भाई, उसका फ़ायदा ये होता है अगर ये भाई ये थोड़ा तिरछा है ना तो ये आराम से ऑपरेट होता है, और उस पर लोड वगैरह कम पड़ता है, जिसके कारण ट्रैक्टर पर भी लोड कम पड़ेगा और ये अच्छा चलेगा, बिल्कुल मुलायम चलेगा, जिससे इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलेगा, मतलब तुरंत ही काम करेगा फटाफट एकदम, जिससे खेत की लेवलिंग कम समय में जल्दी होगी, इसके कारण यहाँ पे दे सकते हैं। और कंपनी ने यहाँ पे मिनिमम जैक भी दिया है एक इसको सपोर्ट रोकने के लिए। और दोस्तों इसका जो मॉडल देख पा रहा है ये, और यहाँ पे जैसे इसका लोहा काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे लगाया हुआ है, और उसकी हवे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हवे दी गई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पे हवे इसमें लगी हुई है, शील्ड वाली इसमें हवे होती है, इनमें ग्रीस वगैरह भरा जाता है। बाकी नट की क्वालिटी देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त इसमें नट लगे हुए हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मतलब हर एक चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जैक सिस्टम दिया गया है, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों की साइड में। भाई ये किसी लेजर लेवल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब क्वालिटी से कंपनी ने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है भाई, ऐसी क्वालिटी अन्य कंपनी में आपको नहीं मिलेगी भाई। तो देख सकते हैं TND भाई उसका नाम है। और दोस्तों इसका जो मॉडल यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी जो प्लेट है सब कुछ लिखी हुई है, ये 7 फीट की बकेट भाई हुई है, 2024 का लेटेस्ट मॉडल वाली भाई ये बकेट भाई हुई है, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी कंपनी लगा के दिया है। और दोस्तों ये कंपनी है कुछ मार्केट में यूनिक अलग ही करती है, और उसके टॉप मॉडल में आप लोग जाएंगे तो इसमें लाइट वगैरह सबको मिल जाती है। टायर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें भी काफ़ी शानदार होते हैं, गुडियर कंपनी का टायर है, टायर की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ में रिम स्टिनर भी कंपनी लगाए हुए हैं जो कि TND कंपनी से इनमें लोगे लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। GPS वाला इसका मॉडल कंपनी ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये इसका कंट्रोल पहला जो भी ट्रैक्टर पे लगता है, और ये देख ये एंटीना है जो भाई लेजर लेवल जो बकेट पे लगता है, और ये इसका बेस है तो भाई जहाँ पे इसको खड़ा कर जाता है एक जगह पर रहता है, स्थाई रहता है भाई। इसकी जो रेंज होती है रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 3 किलोमीटर के लमसम इसकी रेंज होती है, मतलब दोगुनी उससे रेंज होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जिस तक लक्ष्य भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। बाकी पानी से और वाटर से कोई इसमें अगर कोहरा वगैरह आता है तो उसमें इसमें कोई भी दिक्कत इसको नहीं होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शानदार किया गया। और यहाँ पे देखते हैं 7 डिग्री टेम्परेचर में भी ये आराम से काम करता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती ख़राब वगैरह धोने की, कोई भी इसमें नहीं रहते हैं। बाकी आप लोग दुकान इसमें मॉडल इसके 7 फीट का भी आता है, 8 फीट का भी आता है। भाई GPS की इसकी जो बकेट होती है भाई थोड़ी चेंज होती है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ये वीडियो आपको फोटो में आपको देख पा रहा हो, ये भाई GPS के सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस बकेट भाई आपके लिए 2 साल की वारंटी मिल जाती है, अगर किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा वीडियो में, कहीं भी खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी काफ़ी शानदार होती है। तो भाई आपको वीडियो पता है, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।